रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने मिरर फार्मूला को कंप्लीट करा था और मिरर फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करा था। तो अब अगला टॉपिक अपना है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले रिफ्रैक्शन को समझते हैं, ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब होता है कि जब भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाता है, ठीक है। लाइट रे की प्रॉपर्टी क्या होता है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट वेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेज इट्स पाथ। दिस होल फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। सपोज ये एक बाउंड्री है जो कोई दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम वन एंड मीडियम टू, ठीक है। एक बाउंड्री है जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अब दो अलग अलग मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर, वाटर ग्लास, एयर ग्लास, है ना, तो कोई भी मीडियम हो सकता है। इस पे हमने एक नॉर्मल डाला, ठीक है। नॉर्मल के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस और बाउंड्री। अब होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए कहीं से भी एक लाइट रे आके इस पे इंसिडेंट होता है। अब एक लाइट रे इंसिडेंट होता है एक लाइट रे इस पे अगर इंसिडेंट होता है तो ये एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इट्स टू ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो डॉटेड लाइन मैंने आपको दिखाया है, ये डॉटेड लाइन इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए, बट ये होता क्या है, अपने एक्चुअल पाथ से या तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। दो केसेज मान लेते हैं, केस वन, या तो अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल लाइन के तरफ बेंड होता है या अपने एक्चुअल पाथ से अवे चला जाता है, अपने एक्चुअल पाथ से अवे चला जाता है। तो ये दिस इज केस टू। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। अब ये बेंडिंग कितना होगा इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट चेंजेज इट्स पाथ आइदर टुआर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो दोनों में से कोई एक होता है। तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक। अब ये समझते हैं कि ये कब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, कब नॉर्मल से अवे बेंड होगा। तो बेसिकली दो कंसेप्ट होते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये रेयरर और डेंसर का क्या मतलब है, जब लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए इट मीन्स दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से अवे बेंड हो जाए तो इट मीन्स इट इज रेयरर मीडियम, है ना। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई मीडियम रेयरर या डेंसर नहीं होता है। रेयरर एंड डेंसर मीडियम इज अ रिलेटिव टर्म, ये डिपेंड करता है हम किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। अगर सपोज ऊपर एयर है और नीचे वाटर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात अभी तुरंत मैं बात करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, मतलब स्लाइटली मोर देन 1। तो आप ध्यान से देखेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब हियर वाटर इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई मीडियम रेयरर या डेंसर नहीं होगा कंपैरिजन में, है ना। अगर जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उस मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, यानी सेकेंड मीडियम इज डेंसर एंड द फर्स्ट मीडियम इज ऑटोमेटिकली रेयरर। इफ लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल देन द मीडियम टू इज रेयरर एंड मीडियम वन इज डेंसर। तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा इससे पहले मैं दो लॉ की बात कर लूँ, जो दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे विल लाई एट द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो आपको अगर जरूरत हो तो वीडियो पॉज करके मेरे स्टेटमेंट को आप नोट्स भी बना सकते हैं, और बेटर ये होगा कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी लेक्चर देखते हैं, इसका आप अगर एक प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, ठीक, प्रॉपर एक कॉपी लेके और साथ में क्लासरूम की तरह नोट्स बनाते हैं, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। एंड साथ में एक और बात मैं कहूँगा कि आप NCERT टेक्स्ट बुक की रीडिंग करें। आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड, सारे 12th लेवल एग्जाम के लिए जो मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका NCERT टेक्स्ट बुक। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर, बोर्ड के लिए अगर प्रिपेयर करो तो NCERT इज मोर देन इनफ,
ठीक है. बट एनसीईआरटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी विल प्रिपेयर योर बेस, सो मेक अ हैबिट टू रीड एनसीईआरटी. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, और जो भी दिक्कतें आए है ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने में या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ों को जरूर मेंशन करें, जहाँ भी दिक्कत आए या जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि ये चीज़ें कम समझ आया, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, चलिए. तो ये हमने रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में, तो मैं रेयरर मीडियम को भी डिफिनेशन बोल देता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं. इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन अ मीडियम एंड इट गेट रिफ्रैक्टेड इन सेकेंड मीडियम एंड द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन द मीडियम इज सेड टू बी रेयरर मीडियम. ठीक है, और डेंसर मीडियम में इफ रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, देन द मीडियम इज सेड टू बी डेंसर मीडियम. ठीक, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड सब एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे होंगे. सेकेंड लॉ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्नेल्स लॉ, और इस पर क्वेश्चंस भी हमारे खूब आते हैं है ना, तो स्नेल्स लॉ को समझते हैं. स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ में क्या है, स्नेल्स लॉ ये कहता है ना, अच्छा एक मिनट, स्नेल्स लॉ से पहले एक छोटा सा टर्म मैं आपको बता दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बुक्स में कहीं म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग तरीके से डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब एक ही. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एबिलिटी टू बेंड द रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, एबिलिटी टू बेंड द रिफ्रैक्टेड रे. सपोज ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, एक लाइट रे आता है और ये अपने एक्चुअल पाथ से, सपोज ये थोड़ा सा बेंडिंग हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे का बेंडिंग. और एक दूसरा केस आप देखें, एक लाइट रे इंसिडेंट होता है, ठीक है, अपना एक्चुअल पाथ ये है, एक्चुअल पाथ से ये देखिए इसकी बेंडिंग. अब दोनों केस को आप ध्यान से देखें, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे, एक्चुअल पाथ से रिफ्रैक्टेड रे की बेंडिंग इसमें कम हुआ है और इसमें ज़्यादा हुआ है. इट मीन्स यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि लाइट रे की, रिफ्रैक्टिव रे की बेंडिंग ज़्यादा होगी, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अबे, समझ गए. तो कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखे तो इसका मतलब ये होता है, अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख जाए तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक बातें रिफ्रैक्शन, रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अच्छा दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अभी मैंने आपको बताया एयर एंड वाटर के केस में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का 4/3 होता है. तो एयर का 1 है, वाटर का 4/3 है, मतलब 4/3 में स्लाइटली मोर देन 1, 4/3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो 1.33 समथिंग. तो हम किसको डेंसर बोलेंगे, वाटर विल बी डेंसर मीडियम एंड एयर विल बी रेयर मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है कि द मीडियम इज डेंसर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है मीडियम इज रेयरर. ठीक, तो अब आते हैं स्नेल्स लॉ. अब हम लोग स्नेल्स लॉ को अच्छे से समझ सकते हैं. स्नेल्स लॉ का मतलब ये है कि सपोज पहले वाला जो मीडियम, इसी केस में आते, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है. तो म्यू वन साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, दैट इज म्यू वन बाई म्यू टू इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई. दिस इज आवर स्नेल्स लॉ. ठीक है, एंड साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा भी लिखा होता है किसी बुक. तो आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपके या दोनों एक ही है, ये बहुत काम आ गया. तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, एक और फॉर्म स्नेल्स लॉ का, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड म्यू टू साइन आर, ठीक है, विल बी इक्वल. तो यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आता है न्यूमेरिकल्स बनाने में. तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन की पूरी कहानी है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग रिफ्रैक्स एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे.